प्रथम लड़ाऊं से ब्रो बंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नैम गहे कहे सुजस बिहारिन को जीवत है मुख चा बिगड़ी रे संभार श्री कुंज बिहार और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म के भूल को चिन में डारे खो श्री कुंज बिहार न लाडली तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी और तू मेरे हित प्राण जान न दे जो जगत में परसों पद सुखदार जो बिगड़े गिरावरे होए भगत उपहास ताते तुम सो कहत हो ऐच आपने पार भूल चुड़ाओ लाडली समझ दे हो भरपूर ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरे लाज लाडली तू ही सब ही तिहारे हाथ बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मोमान श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र जी की जय समस्त आचार्य वृंदन की जय गुरु जी महाराज की जय 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 श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से हमको समझाते हुए पूर्व प्रसंग में आप सभी भगवत प्रेमी जनों ने श्रवण किया था चलनी में गैया दुहे दोष दही को दे हरिगुर कयो न मानहि कियो आप न ले नहीं है ईश्वर इच्छा देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा मूरख मरकट मूठ कीर हट तजय न नलनी और करे कहें भगवत का करे भाग बोले की चलनी ये जीव करता तो खुद है और जो आरोप है वो ठाकुर के ऊपर रख देता है और आरोप किन बातों का रखता है जो वोरा करता है
कभी अच्छा किया जैसे हमारे साथ अच्छा हुआ है उसका श्रेय ठाकुर को नहीं देता ये, उसका श्रेय हमेशा खुद लेता है कि ये तो मैंने किया, ये सब मैंने किया है। जो अच्छे कार्यों का जो श्रेय ये खुद लेता है, और जितने भी ज़्यादातर बुरे कार्य हैं उनका श्रेय ठाकुर को देता है कि ठाकुर आपने बहुत ज़्यादा बुरा किया हमारे साथ इतना बुरा हो गया, इतने ज़्यादा दुख आ रहे हैं, ये सब आपकी करने से हो रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। ये जीव स्वयं ही अपने साथ अच्छा करता है और स्वयं ही बुरा करता है। यदि इसके साथ कोई अच्छा करता है तो वो ठाकुर हैं। श्री स्वामी ललित कृष्णदेव जी महाराज कहते हैं कि भली भली सब हरि करें, भूल अपना पौ ले, प्रेम प्रीत रस रीति है, वन में बसो के किए। जो अच्छे कार्य हैं वो सब सारे के सारे कार्य हमारे बिहारी जी महाराज कहते हैं। हमारे आचार्य श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज कहते हैं कि अपराधन को दंड दे मोक, कि हे लाडली जू, हे स्वामी जी महाराज, जितने भी अपराध मैंने किए हैं उन अपराधों का मुझे दंड दो। जीवों स्वभाव तो दुष्टा, जीवों जो जीव है ये स्वभाव से दुष्ट है और जन्म जन्मांतर से गलती ही करते हुए आ रहा है, और फिर भी हम ठाकुर से कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं, कभी क्षमा याचना नहीं मांगते हैं कि हे बिहारी जी महाराज, हे स्वामी जी महाराज, जो मैंने गलती की है, जिन गलतियों को मैं करते हुए आ रहा हूँ उन गलतियों का प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ, मैं उन गलतियों को स्वीकार करता हूँ और आप मुझे उन गलतियों के लिए दंडित कीजिए। जब हम इस प्रकार से अपने बिहारी जी महाराज से, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे तो क्या वो हमें दंडित करेंगे? पर बात क्या है कि वो एक बार जब हम उनके समर्पण हो जाते हैं, ये जीव उनके समर्पण ही नहीं हो पाता है। जिस दिन हम अपने हृदय से एकदम उनके समर्पण हो जाएं, एकदम उनके शरणागत हो जाएं कि हे बिहारी महाराज, आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, केवल आप ही हो, चाहे तो अपने शरण में रखो, चाहे नरक में रखो, कहीं पे भी रखो, बस हे बिहारी महाराज मैं आपको ना भूलूं, आपको हमेशा याद रखूं। आज के प्रसंग में श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज बता रहे हैं, अनहोनी नहीं हो कछु, होनी मिटे ना को, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तां दो, अति समर्थ तां दो राम बरता वशिष्ठ गुरु, यदवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर, पारीक्षित उर्व्याल मृतक पैरायो मोनी, भगवत इच्छा जान नहीं या मैं अनहोन। जी महाराज की महाराज कह रहे हैं अनहोनी नहीं हो कछु, होनी मिटे न कोई। जो हम कहते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे साथ वो गलत हो गया, और इसका जो श्रेय हम ठाकुर को देते हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत होता ही नहीं है, कुछ भी हमारे साथ गलत होता नहीं है, हमको लगता ज़रूर है, क्योंकि जो कछ कियो सो लाडली, लाडली करे सो होए, और लाडली करे सो होए को निर्भय है तो सोए। हम किस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, और हमारी जो लाडली जो है वो अपने भक्तों के साथ, अपने जो उनके अनुगत हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। श्री हम नित्य प्रति बोलते हैं, विनय की जो दोहाएँ उसमें बोलते हैं कि मेरी लाज लाडली तुई सबे तिहारे हाथ, कि हे लाडली जू मेरी जो लाज है वो आपके ही हाथ है, बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल कुमार। हे बिहारी महाराज, आनगत का मतलब होता है कि मेरा जो सिर है और कहीं नहीं झुकता है, केवल आपके ही पास झुकता है। और एक जगह कहा है कि जो बिगड़ेगी रावड़ी होए भगत उपास, तासे तुमसों कहता हूँ ऐंच आपने पास,
कि हे लाली जू आपको बड़ी दुख बड़ा दुख होगा यदि हम उनके भक्तों को उनके अनुगत जो रसिक हैं उनको यदि कुछ भी दुख पहुंचता है तो उनको बड़ा दुख होता है। और मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दीजो जगत में परसों पद सुख दान। तो यहाँ पे कहा है कि मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जो लाडली जो हैं हमारे एक बहुत ज़्यादा हितेशी हैं, हित प्राण कहा है। तो लाडली जो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करते आए और अच्छा ही करेंगे, जाके हित में लाडली ताको बिगन न कोए ताको बार न बाकी जो जग वैरी होए। जिसके हित में स्वयं लाडली जो हो जाते हैं स्वामी जी महाराज हो जाते हैं उसका चाहे पूरा संसारी क्यों बुरा नहीं करना चाहे पर उस पर बिल्कुल भी आँच नहीं आ सकती। तो अनहोनी नहीं होए कछु हानि मिटे न कोए, कई सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हमारी दृष्टि में वो गलत हैं लेकिन उसके पीछे ठाकुर का बहुत बड़ा कारण होता है। जिस प्रकार की देखो सीता दशरथ है अति समर्थ तहाँ दो है कि सीता जी को कितना दुख हुआ था, दशरथ जी को कितना दुख हुआ था और दोनों के दोनों समर्थवान थे। अति समर्थ दोए राम भरता वशिष्ठ गुरु, राम जी जैसे जिनके भरता थे और गुरु श्री वशिष्ठ जी जैसे थे फिर भी उनको दुख भोगना पड़ा। यदि ठाकुर वन में नहीं जाते, ठाकुर वन में राम जी अगर वन में नहीं जाते तो इतने जो राक्षसों का वध कैसे होता, क्योंकि ठाकुर इस धराधाम पे आते हैं परित्राणाम साधुनाम बिना साय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभ मामी योगे योगे। अर्जुन से कह रहे हैं ठाकुर कि मैं युग युग में दुष्टों के विनाश के लिए और संतों के कल्याण के लिए संत भक्तों के कल्याण के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ, तो जिस कारण से उनका अवतार हुआ है उसी कार्य को नहीं करेंगे। यदि ठाकुर राम जी वन में नहीं जाते तो रावण जैसे महापापी का विनाश कैसे होता और इस पृथ्वी का जो बाहर इतना बड़ा हुआ था वो कैसे समाप्त होता। तो ठाकुर जो कुछ भी करते हैं सब अच्छा करते हैं, चाहे हमको एक बार को गलत लगे लेकिन उनकी दृष्टि में वो गलत नहीं है, वो एकदम सही है। और यदि हमारे जीवन में कुछ दुख भी आ रहे हैं तो समझ लो कि हमारे जो बिहारी जी महाराज हैं हमको ठोक ठोक कर पक्का कर रहे हैं। जब तक हरि भक्तों पर दुख ना आए, जब तक उनके भक्तों पर दुख ना आए तब तक भक्ति पक्की नहीं मानी जाती है। भक्ति पक्की तभी मानी जाती है जब उनके भक्तों पर बहुत ज़्यादा दुविधा आ रही है, बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं लेकिन उस जगह से यदि हिल गए, जैसे हिले तो समझ लो कि हमने अपने जो लाज थी वो सारी की सारी लाज छोड़ दी, भूल गए अपनी लाज को। पर जो सच्चे होते हैं जो उनके अनुगत होते हैं और जो इस रहने से नहीं डिगते हैं उनको फिर ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाती है कि जो कि हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे इतनी बड़ी वस्तु हमको हाथ लग जाती है। तो देखो सीता दशरथ है अति समर्थ दान दो, दोनों को दोनों समर्थशाली थे और राम जी जैसे जिनके भरता हों और फिर भी उनको दुख भोगना पड़ा और इधर दशरथ जी को पधारना पड़ा और सीता जी को रावण के वहाँ रहना पड़ा, राम जी से बहुत दूर रहना पड़ा। लेकिन फिर भी ये सब ठाकुर की इच्छा थी, यदि ऐसा नहीं होता तो दुष्टों का विनाश कैसे होता। जबकि कैकेयी माता थी राम जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, राम जी से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि अपने भरत से भी ज़्यादा राम जी से स्नेह रखती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका एक प्रसंग आता है। जब राम जी छोटे थे तो खेल रहे थे तो एक बार क्या हुआ कि राम जी खेलते खेलते थोड़ा उदास्य हुए तो कैकेयी माता उनके पास में ही बैठी हुई थी। तो कैकेयी माता ने पूछा कि हे राम तुम बताओ इतने उदास कैसे हो गए, अचानक तुम खेलते खेलते उदास कैसे हो गए। तो राम जी ने कहा कि हे माता मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कि कहो। कि बताओ, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा उसकी तुम स्वीकृति करोगी।
आप उस बात को एकदम मान जाओगे। इस पर केकई माता ने कहा कि पहले तुम बताओ तो सही, मैं उसके बाद में बताती हूँ, कि नहीं पहले मुझे वचन दो। तो केकई माता से राम जी ने वचन लिया। तो राम जी ने कहा कि जब मेरा राज तिलक हो उस समय तुम दशरथ जी से, जो मेरे पिताजी हैं, उनसे दो वचन मांगना, एक तो भरत को राजगद्दी और मुझे वनवास। यदि मैं वनवास को नहीं जाऊंगा तो दुष्टों का विनाश कैसे होगा? दुष्टों का विनाश तभी होगा जब मैं वनवास में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे इसलिए वन में जाना ही पड़ेगा। तो इस पर जो केकई माता थी बड़ी दुखी तो हुई, लेकिन पहले उन्होंने वचन दे दिया था, और रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी बात है। तो उन्होंने वचनबद्ध होकर, जो आखिर में जब राम जी का जब तिलक हो रहा था, तो तभी उन्होंने ऐसे दशरथ जी से वर मांगे। तो महाराज, जो ठाकुर करते हैं सब अच्छा करते हैं, कभी अपने अपने भक्तों के साथ तो कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु नमे दुस्वस्ति ना प्रिय ये भजन्तु माम भक्त्या मये तेषु चाप्यहम। गीता जी में कहते हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे कोई छोटा प्राणी है चाहे कोई बड़ा प्राणी है, जितने भी जीव हैं सब मेरे लिए प्रिय हैं। मैं किसी से ना तो द्वेष करता हूँ, ना ही कोई मेरा इतना ज़्यादा प्रिय है, सब एक समान हैं। पर जो मुझे भजते हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे अनन्यता से भजते हैं, मैये तेसु चाप्य हम, मैं उनके अंदर रहता हूँ और वो मेरे अंदर वास करते हैं। अब सोचो, जब पूरे जीवों का पालन पोषण वही करते हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे हैं कोई जीव, चाहे कोई बड़ा जीव है, सभी जीवों का पालन पोषण हरि स्वयं करते हैं, तो अपने भक्तों का पोषण नहीं करेंगे? जबकि अपने भक्तों को तो कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, ठाकुर अपने भक्तों को तो दास बताते हैं अपने आप को। तो महाराज बताइए कि जब पूरे जीवों का सब पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं, तो अपने भक्तों का संचालन नहीं करेंगे? अपने भक्तों के तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर बस बात क्या है कि उनके भक्त कुछ चाहते नहीं हैं, एक तो चाहते नहीं हैं, और ठाकुर कहते हैं यदि मैंने इसको कुछ दिया, ज़्यादा धन दिया या ज़्यादा वैभव दिया, तो कहीं ये डिग ना जाए। ठाकुर ऊपर से चोट भी मारते हैं, दुख भी बहुत मिलते हैं उनके भक्तों को, लेकिन अंदर से हाथ भी लगा के रखते हैं। इस प्रकार कुमार जब मटका बनाता है, अंदर से हाथ लगा के रखता है, ऊपर से चोट भी मारता है। तो इसी प्रकार जो हरि हैं, ऊपर से चोट भी मार रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत दुखी भी आ रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे हृदय में धैर्य बना रखा है कि हमको आगे चल के ठाकुर प्राप्त होंगे, और ये सब के जितने भी दुख हैं सब समाप्त हो जाते हैं, हम यदि धैर्य बना के और अड़े रहते हैं अपने रास्ता पे। तो अनहोनी नहीं होए कछु होनी मिटे ना को, देखो सीता दशरथ है अति समर्थता दो, राम भरता वशिष्ठ गुरु यदवंत सिंह को नाश भयो देखत परमेश्वर। और दूसरा दृष्टांत दिया कि यदुवंशियों का नाश हो गया ठाकुर के देखते देखते, और ठाकुर ने स्वयं करवाया, ये जितना भी जो कार्य हैं ठाकुर ने स्वयं अपने हाथों से अपने पूरे कुटुंब का विनाश करवाया, क्योंकि ठाकुर को पता चल गया था यदि ये मेरे बात रह गए तुम्हारा 56 करोड़ यदुवंशी हैं पूरे संसार को नहीं जीने देंगे, ये तो किसी को नहीं जीने देंगे। तो अपने आँखों के देखते ही देखते पूरे यदुकुल का नाश करा दिया, और इतना बड़ा महाभारत हुआ। ठाकुर यदि चाहते थे तो जब दुर्योधन के पास गए थे, जब शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे, तो पूरे महाभारत का विनाश वहीं पे हो जाता यदि ठाकुर चाहते, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको और भी जो दुष्ट राक्षस थे उनका भी वध करना था और धरती को भार से मुक्त करना था। तो ठाकुर जो कुछ भी करते हैं हमारे साथ सब अच्छा करते हैं, बस हम एक बार यह है कि हम ठाकुर की करनी को देखें, कि ठाकुर जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, और अपने हृदय में धैर्य बना के रखें, कभी धैर्य को ना छोड़ें, संतोष को ना छोड़ें। यदि हम धैर्य बना के रहेंगे तो धीरे धीरे करके चाहे हमारे जीवन में दुख हैं, लेकिन एक दिन ये भी आएगा कि वो सारे के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, और दुख में सुख, सुख में जो सुख। संसार के महाराज बता रहे हैं कि दुख में सुख, सुख में जो दुख, ते दो दुख जान, बिहारी दास दुख सुख पड़े ता सुख सौ रत्न।
ध्यान देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुख और दुख दोनों ही समान है। जो दुख है वो तो दुख है ही, लेकिन जो सुख है वो भी दुख दुख ही है। तो इन दोनों से जो परे जो स्वरूप है उसका भजन करना है हमें। इन दोनों से बिहारी दास दुख सुख परे ता सुख स्वरत्मा, जो इन सब से हटकर जो सुख है उसको प्राप्त करना है हमको, तब जाके हमारा मनुष्य देह लेना जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो पारीक्षित और ब्याल मृतक पहराय मौनी भगवत इच्छा जान नहीं आमे अनहोनी। एक और दृष्टांत महाराज ने बताया कि जो परीक्षित जी थे कितने बड़े राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, पर उन्होंने भी कलयुग के सवार होने से जो समीक ऋषि थे उनके गले में सर्प डाल दिया, और सर्प डाला तो उनके जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने जो ये मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला उसका 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्रृंगी ऋषि को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुमने ये बहुत गलत किया है, और राजा को बताया जाकर। तो इस पर राजा ने ज़्यादा शोक प्रकट ना करके उन्होंने कहा कि जाना तो सबको है और 7 दिन के अंदर ही जाना है। ये बात भी एकदम निश्चित है कि 7 दिन के अंदर ही आए हैं और 7 दिन के अंदर ही जाना है। तो उन्होंने शोक प्रकट नहीं किया, और उन्होंने अपने पुत्रों से भी कह दिया कि 7 दिन के बाद में मैं चला जाऊँगा, और अब मुझे केवल ठाकुर का भजन कर लेने दो। अब जब नदी के किनारे जाते हैं तो जब जो वृत्तांत है लंबा है, लेकिन हम थोड़ा जो सार की वस्तु उसको श्रवण कर रहे हैं। जब सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने पूरी की पूरी भागवत जी सुनाई, तो उससे जब एक बार जब सुना रहे थे तो ऊपर से जो देवतागण थे वो भी कलश लेके आ गए, अमृत का कलश लेके आए, और सुखदेव जी से कहा कि हे महात्मन, हम जो परीक्षित हैं इनको अमृत का जो कलश है वो इनको दे दो, जिससे इनकी मृत्यु भी नहीं होगी, और जो कथामृत है उसको हमको पान करा दो। इस पर सुखदेव जी ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई, देवताओं को बहुत बड़ी फटकार लगाई कि ये क्या है, ये तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक दिन मरना ज़रूर है। इसको पीकर कोई अमर नहीं होता है, अमृत को पीने के बाद में भी कुछ वर्ष तक ये जीवित रह सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर खीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंती, जैसे इनके पुण्य खीण हुए दोबारा से इनको मरना पड़ेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। और जब परीक्षित से सुना तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये जो रसस्वाद है इसी को पान करना है। तो उन्हीं के कारण, सुखदेव जी के ही कारण, हम सब जितने भी जो जीव हैं सबको भागवत जी को श्रवण करने के लिए मिला। तो ठाकुर जो कुछ भी करते हैं, चाहे कुछ हमको गलत दिख रहा है, लेकिन वो सही माने में गलत नहीं है, वो भी हमारे साथ कुछ ना कुछ हित ही हो रहा है। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। तो भगवत इच्छा जान नहीं आमे अनहोनी, जो कुछ भी है कुछ भी अनहोनी नहीं है, इसमें सब यही सोचें कि ये ठाकुर की कुछ इच्छा ही होगी जो कि ऐसा कुछ घटित हुआ है। मन मेरे भजे लश्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजे लश्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, आंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, आंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, वृंदावन घन रावन कुंज में, वृंदावन घन रावन कुंज में, खेल करत भुज चारी चारी, खेल करत भुज चारी चारी,
बिहार न दास लड़ावत बिहारी बिहार न दास लड़ावत जीवन प्राण हमारे हमारे जीवन प्राण हमारे हमारे मन मेरे भजे लखी बिहारी मन मेरे भजे लखी कुंज बिहारी। हरि जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन चंद्र जू की जय। समस्त आचार्य वृंदन की जय। पुरी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरि।